नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे टैग की तरफ से आने वाली स्मार्टवॉच वर्ब नियो की। ये आप देख सकते हैं, इसमें 1.69 इंचज़ की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें 20 स्पोर्ट्स मोड हैं और ये काफ़ी लाइट वेट है। इस साइड आप देखेंगे तो इधर आपको रोहित शर्मा की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी और बैक साइड में उसके फंक्शन से कुछ जो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ इसमें से जो हाईलाइट्स हैं, मैं जैसे आपको बता दूं, इसमें अप टू 10 डेज़ का वर्किंग टाइम मिल जाता है और ये IP68 वाटर प्रूफ है। और बात कर लीजिए इसके MRP की, जो बॉक्स में मेंशन है वो 3999 है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा मैंने इसे कितने का परचेज़ किया है और इसका जो वेट है वो सिर्फ 21 ग्राम्स है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें रियल टेक का चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है और सेंस प्लस एक टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं, आपको इस तरीके से बॉक्स में कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको एक ही एनवलप देखने को मिल जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है। और एक ये चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है और फाइनली जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो आपको रखी हुई मिल जाती है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि इस एनवेलप में क्या है या कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एक ये क्विक ग्लैंस एट यूजिंग वर्मियम, एक यूजर मैनुअल के लिए QR कोड मिल जाता है, एक हैप्पी नॉट हैप्पी का कार्ड देखने को मिल जाता है और ये आपको कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और जो ये नेक्स्ट चीज़ है, ये आपको FAQ कार्ड देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और फाइनली आपको एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जो मैंने आपको दिखाई। अब बात कर लीजिए इसकी चार्जिंग केबल की, तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जो आजकल सभी स्मार्ट वॉच में यही चार्जिंग केबल यूज़ की जा रही है इस तरीके की। जो इसकी क्वालिटी है वो एवरेज है और जो लेंथ है वो तो काफ़ी अच्छी है, लेंथ काफ़ी अच्छी है, बस जो इसकी वायर की और जो प्लास्टिक मटेरियल की क्वालिटी है वो थोड़ी एवरेज लगी मेरे को। इससे अच्छी हो सकती थी, फायरबोल्ट में इससे अच्छी मेरे को देखने को मिली थी। चलिए फाइनली बात करी जाए अपने स्मार्ट वॉच की, तो कुछ इस तरीके से आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। इसे हम पावर ऑन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे आप पावर ऑन करेंगे तो काफ़ी कम टाइम में ये बूट हो जाएगी। और जिसके स्ट्रैप हैं वो सिलिकॉन के हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें 20 mm के स्ट्रैप यूज़ किए गए हैं, तो आप चाहें तो आफ्टर मार्केट स्ट्रैप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। और पीछे की साइड ये सेंसर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और SQ2 के लिए अलग से एक डेडिकेटेड सेंसर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इधर जो बकल है उस पर आपको टैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और जिसके बैक में है इस जगह आपको ग्लास मिल जाएगा सेंसर के पास, और जो आसपास का मटेरियल है वो प्लास्टिक का है, और जो इसकी ओवरऑल बिल्ट है वो भी आपको प्लास्टिक की ही देखने को मिल जाएगी, पर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। और प्लास्टिक की यूज़ करने के कारण ही जो इसका वेट है 21 ग्राम्स हो पाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को लाइट वेट वॉच भी काफ़ी पसंद आती है। और इसमें रेस्ट टू वेक या जेस्चर काफ़ी अच्छे से काम करता है, आप देखिएगा। जैसे मैंने अभी इसे रेस्टिंग पोजीशन में रखा है तो ये जैसे ही बंद होती है और मैं इसे ऊपर को करता हूँ तो ये काफ़ी इजीली रिस्पॉन्स करती है। आप जब ऊपर से इसे नीचे स्क्रीन को स्लाइड करेंगे तो आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे फ्लैश लाइट का हो गया, फ्लैश लाइट देखिए आता है तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में ही इसकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी हाई हो जाती है, तो वो फ्लैश लाइट का काम करती है। और इधर आप जैसे आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से आप चाहें तो। और इधर आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा इसके ऐप के लिए। और बाकी आप इसे नीचे से ऊपर जब स्लाइड करेंगे होम स्क्रीन से, तो आपको काफ़ी स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं।
और वॉच फेसेस आपको जो प्री इंस्टॉल्ड है वो आपको 6 वॉच फेसेस मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कैमरा बटन है इसमें जो आपको इसकी ऐप के इसी वॉच के ऐप के साथ यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें एक फाइंड फोन का ऑप्शन है, ब्रीथ जो एक मैकेनिज्म या टेक्निक है वो अच्छी है इसकी, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक टाइमर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और सेटिंग्स में अगर आप चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। अबाउट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्नियो ऊपर ही लिखा हुआ आ जाता है, तो आप चाहें तो जब इसे वॉच कर लें तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब जहाँ आप इसे राइट साइड स्लाइड करते हैं तो आपको स्टेप्स और जो आपने कैलोरीज बर्न करी वो सब देखने को मिल जाता है। ये हार्ट रेट मॉनिटर है, ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑन हो जाता है। स्लिप टाइम मॉनिटर, वेदर, म्यूज़िक, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो इसका मैंने प्राइस पे करा है वो भी सेल में ये 999 यानी 1000 के अंदर आपको मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वॉच है। और इसमें मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो इसकी बेजल्स हैं वो साइड साइड में ठीक है, पर जो इसके नीचे बॉटम में जो वेजल है वो थोड़ी आपको मोटी देखने को मिल जाती है, पर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतना तो अच्छा चलता है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको फुल स्क्रीन जो वॉच है वो शायद ही देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से इसे आपको एक ऐप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए जो रिकमेंडेड ऐप है वो है टैग नियो, इसे आप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप इस पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे वो आप फिलअप कर सकते हैं और अपना एक अकाउंट इस पर बना सकते हैं। जैसे ही आप इसे लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपसे ब्लूटूथ ऑन करने की परमिशन मांगेगा, वो आपको अलाउ कर देनी है। उसके बाद लोकेशन की भी सर्विसेज जो हैं वो आपको अलाउ कर देनी है, आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंगली इसे अलाउ कर सकते हैं। अब फाइनली अगर आपको डिवाइस कनेक्ट करना है तो आपको नीचे ये डिवाइस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारी वॉच आ चुकी है, तो इस पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए, ये पेयरिंग हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं वॉच में भी पेयर सक्सेस लिखा हुआ आ गया है, तो जो हमारी वॉच है इसमें इजीली पेयर हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक बार जो ऐप है उसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, आप चाहें तो उन्हें वन बाय वन पढ़ भी सकते हैं। और जो मेन चीज़ मैं आपको दिखा दूँ वॉच फेस की, तो ये आप देख सकते हैं तमाम वॉच फेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और मोर पर जाकर आप जो इसकी क्लाउड वॉच फेसेस हैं उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक वॉच फेस लगा कर दिखाता हूँ कि इसमें टाइम कितना लगता है, तो आप इस पे अलाउ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने ये अपलोड हो रहा है। तो काफ़ी फास्ट है ये वॉच, जो प्राइस पॉइंट पे जिस प्राइस पॉइंट में मैंने परचेज़ करी है काफ़ी अच्छी वॉच है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो वॉच फेस है वो इसमें अपलोड हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं फाइनली ये अपलोड हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शानदार दिख रहा है। और इसमें जो आप कस्टम वॉच फेस यहाँ से लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं, और इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद दोबारा सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करके सेलेक्ट फ्रॉम फ़ोटो एल्बम और आपको फ़ोटोज़ में आ जाना है। तो जैसे ये एक फ़ोटो है, मैं इसको आपको वॉच पर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, और ओके पे क्लिक कर देना। आप चाहें तो इससे टाइम पोजीशन भी सेट कर सकते हैं और काफ़ी ऑप्शन है, या टेक्स्ट का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप इसे ओके कर दीजिए, तो जैसे ही आप ओके करते हैं
ये यहाँ पे जो वॉच फेस है वो इसमें इंस्टॉल होने लगा है। तो ये आप देख सकते हैं जो वॉच फेस है इसमें आ चुका है जो हमने इसमें लगाया था। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके बॉक्स, जो वॉच है उसके फीचर्स और ऐप का इंटरफेस और कि कैसे इसे कनेक्ट करना है। ऐसे तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं पर वो सब आपको खुद ही एक्सप्लोर करने होंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।